मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, लेकिन बारिश आते ही एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में सड़कों की पोल खुल गई है। बारिश के चलते अनूपपुर जिले की सड़कों के गड्ढों में पानी जमा हो गया है, जिसके बाद युवाओं ने उसे अपना स्विमिंग पूल बनाते हुए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने गाना बजाकर गड्ढों में भरे पानी में नाचना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला अनूपपुर जिले के बिजरी नगर का है। यहाँ लोगों ने एक प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका इजाद किया है। स्थानीय लोगों ने गहरे गड्ढों में भरे बारिश के पानी को स्विमिंग पूल का स्वरूप दिया और उसमें डांस भी किया। यहाँ के लोग कई सालों से इस समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। इससे पहले गड्ढे में मछली पालन से लेकर धान की रोपाई भी कर चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से सैकड़ों बार विरोध प्रदर्शन तथा चक्का जाम किए जाने के बाद नगर पालिका ने सड़क निर्माण का टेंडर निकाला था, लेकिन अब तक इसे लेकर काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। जीतू पटवारी ने लिखा, यदि फिल्टर करके निकालेंगे तो सड़क के गड्ढे से चुल्लू भर साफ पानी तो निकल ही जाएगा। शिवराज जी, अनूपपुर में जर्जर राजमार्ग से त्रस्त स्थानीय निवासियों ने लगातार अत्याचार सहते हुए भी नवाचार किया। 18 साल के अनुभव पर इससे तीखा तंज नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। ऐसा प्रदर्शन है, यह हमारा सभी लोगों के द्वारा किया हुआ प्रदर्शन शासन प्रशासन और कालरी के द्वारा है। ये हमारे किसी भी प्रकार के हमारे छोटे छोटे रोजगारों को प्रभावित विरोध कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन भर कोई इस रास्ते से निकलता नहीं, जबकि यह मुख्य राजमार्ग है जो कि मनेंद्रगढ़ को जोड़ती हुई है बिजली से, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की कोई नहीं सुन रहा। हमने इसमें धान भी उगाया, प्लस इसमें मछली पालन भी किया। हर साल मतलब हमें कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन। कितने साल से प्रयास कर रहे हैं आप? लगभग 2016 में ये रोड बनकर टूट गई थी, हम लोग 2017 से कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं हो रहा है। प्रशासन कान में जू नहीं रेंग रही? कभी नहीं, जबकि हमने आज का जो प्रदर्शन है यह केवल यही दिखाने के लिए है, बाकी यहाँ किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। और बाकी यहाँ सारे रोजगार प्रभावित है इसके चलते। लोगों के घर में ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक रुपए की बोहनी नहीं होती यहाँ के दुकानदारों की। तो हमारा बस यही शासन प्रशासन से कि कम इस रोड पर ध्यान दिया जाए।